नमस्कार, सिरिपोस्ट में आपका स्वागत है। मिस नेहा भारती आपके साथ। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान गुटखा पान मसाला खाना अब बैन हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने नया आदेश निकाला है जिसके तहत अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान गुटखा खाने वालों की खैर नहीं है। जी हां, आपको बता दें परिवहन विभाग ने इस संदर्भ में बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने आदेश निकाला है कि बस ऑटो ई रिक्शा में सफर के दौरान लोगों को पान तंबाकू खैनी या गुटखा खाने से परहेज करना होगा। अगर लोग ये सब खाते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। सिर्फ जुर्माना ही नहीं, उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए तमाम जिलों के एसपी और डीएम को निर्देश भी जारी किया गया है। दरअसल यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ यात्रियों के लिए भी यह गाइडलाइन जारी किया है। एक दिन में 50% यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है। हर यात्रियों को बिठाने से पहले सैनिटाइज कराना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस की तैनाती भी की गई है। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीएम और एसपी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कड़ाई से जांच अभियान चलाने का निर्देश भी दिया है। जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगे उन पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। संजय अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना के दौरान कई एहतियात बरतने की ज़रूरत है और वाहनों से लोग बड़ी संख्या में आते जाते हैं। अगर वाहनों में सख्ती नहीं बरती जाएगी और लोग पान गुटखा खैनी खाकर जहां तहां थूकेंगे और अगर इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए संक्रमण के खतरे को नहीं बढ़ने देने के लिए परिवहन विभाग ने ये बड़ा आदेश जारी किया है, ये बड़ा फैसला लिया है। तो अगर आप भी पान गुटखा और पान मसाला तंबाकू खाने के आदी हैं तो अभी से ही संभल जाए, क्योंकि ये आपको भविष्य में महंगा पड़ने वाला है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।